अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, 2020 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जो भी क्लास 12th इंटर के स्टूडेंट हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जारी क्लास 12th का ऑफिशियल एग्ज़ाम प्रोग्राम को जान सकते हैं। तो यह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जारी 2020 के लिए ऑफिशियल एग्ज़ाम प्रोग्राम है और प्रभात खबर में यह 19 नवंबर 2019 को छपी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट की एग्ज़ाम किस तिथि को आयोजित की जाएगी। तो डेट एंड डे ऑफ एग्ज़ाम यानी 3 फरवरी 2020 मंडे को फिजिक्स सब्जेक्ट की एग्ज़ाम आयोजित की जाएगी फर्स्ट सीटिंग में। अब फर्स्ट सीटिंग का जो टाइम है 9:30 बजे से लेकर के 12:45 बजे तक यानी 12:45 तक। सेकेंड सीटिंग में देखिए, सेकेंड सीटिंग में है हिस्ट्री और आरबी हिंदी सब्जेक्ट के लिए एग्ज़ाम आयोजित की जाएगी। ये इंटर आर्ट्स वाले के लिए है और यहाँ पर जो आरबी हिंदी है ये वोकेशनल कोर्स है। उसके बाद 4 फरवरी 2020 को केमिस्ट्री सब्जेक्ट की एग्ज़ाम आयोजित की जाएगी फर्स्ट सीटिंग में, टाइम 9:30 से 12:45। वहीं सेकेंड सीटिंग में देख सकते हैं पॉलिटिकल साइंस इंटर आर्ट्स के लिए इंग्लिश वोकेशनल कोर्स इंग्लिश सब्जेक्ट की एग्ज़ाम आयोजित की जाएगी। अब यहाँ पर 5 फरवरी 2020 को बायोलॉजी सब्जेक्ट की एग्ज़ाम आयोजित की जाएगी इंटर साइंस वाले के लिए। वहीं इकोनॉमिक्स आर्ट्स वाले के लिए और फाउंडेशन कोर्स वोकेशनल कोर्स है। उसके बाद 6 फरवरी 2020 को NRB IC और ICOM यानी इंटर साइंस और कॉमर्स के दोनों स्टूडेंट इनके लिए एग्ज़ाम देंगे। ये आपका हो गया NRB, ये 50 मार्क का हिंदी हो गया। उसके बाद हो गया आपको कंप्यूटर साइंस IISc ICOM तीनों के लिए है। वहीं मीडिया मल्टीमीडिया वेब टेक्नोलॉजी ये भी तीनों स्ट्रीम के छात्रों के लिए है। योगा एंड फिजिकल एजुकेशन ये आर्ट्स वाले के लिए है। सात फरवरी 2020 को मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की एग्ज़ाम आयोजित की जाएगी इंटर साइंस और आर्ट्स। जो भी स्टूडेंट मैथमेटिक्स लिए हैं ये दोनों एग्ज़ाम देंगे। उसके बाद MB यहाँ पर देख सकते हैं MB यानी 50 मार्क का इंग्लिश IC और ICOM दोनों सब्जेक्ट वालों के लिए एग्ज़ाम आयोजित की जाएगी। वोकेशनल ट्रेड फर्स्ट वोकेशनल कोर्स जिन्होंने लिया है उनके लिए एग्ज़ाम आयोजित की जाएगी। वहीं 8 फरवरी 2020 को एग्रीकल्चर साइंस वाले के लिए एग्ज़ाम आयोजित की जाएगी। म्यूजिक आर्ट्स वाले के लिए एग्ज़ाम आयोजित की जाएगी फर्स्ट सीटिंग में। वहीं सेकेंड सीटिंग में एंटरप्रेन्योरशिप इंटर कॉमर्स वाले के लिए एग्ज़ाम आयोजित की जाएगी। ज्योग्राफी इंटर आर्ट्स वाले के लिए एग्ज़ाम आयोजित की जाएगी। 10 फरवरी की बात हम कर लेते हैं जिसमें लैंग्वेज सब्जेक्ट इंटर साइंस और कॉमर्स दोनों स्टूडेंट के लिए है। लैंग्वेज सब्जेक्ट क्या होता है, जैसे मान के चलिए कि आपने 100 का इंग्लिश लिया है तो आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट आपको 100 इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए एग्ज़ाम देना है और हिंदी का लिया है तो हिंदी होगा आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट। फर्स्ट सीटिंग में एग्ज़ाम आयोजित की जाएगी। वहीं सेकंड सीटिंग में साइकोलॉजी आर्ट्स वाले एग्ज़ाम देंगे। वोकेशनल ट्रेड 2 की एग्ज़ाम आयोजित की जाएगी। उसके बाद 11 फरवरी 2020 को NRB ये यानी 50 मार्क का हिंदी जो है आर्ट्स वाले के लिए एग्ज़ाम आयोजित की जाएगी। वहीं सेकेंड सीटिंग में साइक फिलोसफी आर्ट्स वाले के लिए एग्ज़ाम आयोजित की जाएगी। वोकेशनल ट्रेड 3 की एग्ज़ाम आयोजित की जाएगी। वहीं 12 फरवरी 2020 को लैंग्वेज सब्जेक्ट्स आर्ट्स वाले के लिए यानी जिन्होंने 100 का हिंदी लिया है तो 100 का हिंदी का एग्ज़ाम ये देंगे, अगर 100 का इंग्लिश लिए हैं तो 100 इंग्लिश का एग्ज़ाम ये देंगे। वहीं सोशियोलॉजी आर्ट्स वाले एग्ज़ाम देंगे सेकेंड सीटिंग में। बिजनेस स्टडीज इंटर कॉमर्स वाले एग्ज़ाम देंगे रिलेटेड सब्जेक्ट, वहीं वोकेशनल ये कोर्स है। 13 फरवरी 2020 को आर्ट्स वाले होम साइंस और कॉमर्स वाले इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देंगे फर्स्ट सीटिंग में। वहीं सेकंड सीटिंग में 50 मार्क
इंग्लिश का एग्ज़ाम आर्ट्स वाले देंगे 50 मार्क के लिए और अकाउंटेंसी कॉमर्स वाले के लिए एग्ज़ाम आयोजित की जाएगी। ये था क्लास 12th आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों का एग्ज़ाम प्रोग्राम। अगर आप लोग बिहार बोर्ड से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाए, साथ ही मैथमेटिक्स का क्रेश कोर्स चाहते हैं तो रोज़ लाइव वीडियो देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।